तो नाजिन अब मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर इस वेलफेयर के पूरे जानवर खड़े हुए हैं। तो चलिए आपको ये सारे जानवर दिखाते हैं। अच्छा, लोग इसमें हिस्सा भी मिलाते हैं और माशाल्लाह बहुत सारे लोग तो पूरे पूरे जानवर दे देते हैं इन्हें, ठीक है ना। और चलिए थोड़ा सा आपको ये जानवर पहले दिखाते हैं और आगे चलकर आपको इस वेलफेयर के बारे में भी बताएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर जो काम करते हैं कोशिश करेंगे आपको उनसे भी मिलवाएं और प्रॉपर आपको इस वेलफेयर के बारे में बताएं। अच्छा नाज़रीन, अब देखें ये जो बड़ा सा टेंट लगा हुआ है ना, मैं आपको इस टेंट के अंदर ले जाऊँगा। बेसिकली यहाँ पर दो टेंट लगे हुए हैं, एक टेंट वहाँ है जहाँ पर कुर्बानी होती है, वो मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा कुर्बानी, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब के ऊपर हम नहीं दिखा सकते। तो ये है कि आपको जितनी चीज़ें होंगी वो मैं कोशिश करूँगा दिखाऊँ। और ये एक टेंट है, इसके अंदर लोग आएंगे अपना गोश्त लेने के लिए बैठेंगे, यहाँ पर हिस्से बनेंगे, शॉपरें होंगी और वेट होता है, वेट मशीन के ज़रिए पूरा प्रॉपर बेहतरीन किस्म का काम किया जाता है यहाँ पर ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट ज़फ़र इकबाल, और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। तो सबसे पहले डिस्कवर विद जफर के तमाम नाज़रीन को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। तो नाज़रीन, आज मैं आया हूँ यूनिटी मेमन वेलफेयर की इज्तिमाई कुर्बानी डिस्कवर करने। तो यहाँ पर क्या क्या हुआ चलिए आपको दिखाते हैं। मैं सिर्फ आपसे इतना कहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और गौर से सुनें। अच्छा नाज़रीन, जो मैं आपको टेंट बताया था कि देखिए, एक तो ये बहुत बड़ा सा टेंट है ना, इसमें सारा इंतज़ाम किया गया, क्योंकि मैं तो अभी जल्दी आ गया हूँ यहाँ पर और बहुत अच्छा मौसम है इस वक्त, इतनी धूप भी नहीं है, ताकि अगर धूप हो तो बंदे प्रॉपर बैठ के सुकून से काम करें, उनको कोई दुश्वारी ना हो। पंखे लगाए गए हैं, बाकायदा चेयर्स हैं, और अभी तो जो अपने कसाई भाई हैं वो फुल अपना माहौल बना रहे हैं, अपनी छुरियाँ वुरियाँ तेज़ हो रही हैं उनकी, भाई ये फुल फ्लश खड़े हुए हैं, ये रेडी हैं बिल्कुल जानवर ज़बह करने के लिए। यहाँ पर ठंडे पानी का भी खास एहतमाम किया गया था। नाज़रीन, मैंने आपसे दो टेंटों का जिक्र किया था ना, एक टेंट तो बड़ा सा आपने देख लिया जो कि ये रहा, और दूसरा टेंट जो है वो सामने है, ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, ये टेंट है जहाँ पर जानवर ज़िबा होंगे। ज़िबा होने के बाद जब उनके टुकड़े हो जाएंगे चार, तो वो फिर यहाँ पर आएंगे और मज़ीद यहाँ पर जो है वेट मशीन भी होगी, उससे वेट किया जाएगा, प्रॉपर शॉपर्स बनाए जाएंगे, और जो लोग आएंगे उनको बहुत अच्छे तरीके से दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग पहले ही टोकन दे देते हैं, इनके पास टोकन सिस्टम भी होता है, आपको टोकन भी दिखाऊंगा, इनके बहुत अच्छा इंतज़ाम है। और ये आज से काम नहीं कर रहे माशाल्लाह, काफ़ी अरसे दराज से कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो नाज़रीन, आप ये स्क्रीन में जो देख रहे हैं ये हमारे यासिन भाई हैं, और यही जानवरों को ज़िबा करते हैं, यानी कि यही छुरी फेरते हैं इन पर, और छुरी फेरना भी एक बहुत बड़ा रिस्क का काम होता है, उसमें दुआएँ पढ़नी होती है और बिल्कुल तरीके से इसको ज़िबा करना होता है जानवर को। तो इसी के साथ ये एक जानवर रवाना शुरू हो गया है और ये जानवर को कसाई खाने की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं, ये और जानवरों को भी ज़बह खाने की तरफ लेके जा रहे हैं। मेरे तमाम तर फैंस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो इज्तिमाई कुर्बानी करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए और इनकी सर्विस को एक मरतबा ज़रूर आज़माइए। तो नाज़रीन, ज़रा देखिए अब इस टेंट को, अब यहाँ पर फ़ैन भी चल रहे हैं और ये जितनी भी जो कटिंग गोश्त कटिंग करने के लिए ये हुडियाँ होती हैं इन्हें भी रख दिया गया है, इसके ऊपर सामान है, ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं।
ये थाले हैं, यहाँ पे खाना भी खिलाया जाता है। मतलब ये जितना भी स्टाफ काम कर रहा है उनके लिए खाना आता है, बहुत लजीज होता है। वो दोपहर में आता है लंच, बहुत ही कमाल का होता है। और ये रहे सब सारे अहदेदार, जितने भी वाइट कलर के सूट्स में आप देख रहे हैं सारे अहदेदार हैं। नाज़रीन, आज की जो सबसे ख़ास बात है वो यहाँ का मौसम है। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है अभी तक तो, और जिस जगह पे हूँ यहाँ ग्रीनरी भी बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छा आएगा, दिलकश मंजर है देखने का। तो नाज़रीन, अब ये पिंडाल अंदर से रेडी होना शुरू हो गया है। तो आप ये सामने देख रहे हैं कि जितने भी कसाई भाई हैं इन्होंने नीचे हड्डियाँ रख दी हैं, और इसके ऊपर ये जो है इन्होंने अपने औजार भी रखे हुए हैं। अब यहाँ पर वो जो आएंगे उसके पीसेस होंगे। और ये भी माशाल्लाह इस वेलफेयर के एक अहदेदार हैं, नासिर अजमेरी साहब, और वो आप सामने देख रहे हैं। तो वो राशिद मारफानी साहब हैं जिनको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, और ये यासिन भाई हैं। तो नाज़रीन, ये है वो कार्ड मैंने आपसे जिसका जिक्र किया था ना। अब ये जो भी हिस्सा देते हैं ना, ये उनको दे दिए जाते हैं। तो फिर वो जिनको मुस्तहिक समझते हैं वो उनको दे देते हैं, वो ये कार्ड यहाँ पर लाकर देते हैं और उन्हें इसके अवज़ गोश्त दे दिया जाता है। इस कार्ड पे अहदेदारों के नंबर भी दिए हुए हैं, सीरियल नंबर होता है बाकायदा। ये भी बहुत अच्छा काम होता है, और एड्रेस मेंशन किया होता है। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो नाज़रीन, अब हमारे साथ एक ऐसे बाबा जी मौजूद हैं जो कि काफ़ी सीनियर हैं, उनके साथ बहुत पुराना काम कर रहे हैं। चलें उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी, आप कितने टाइम से इस वेलफेयर के साथ काम कर रहे हैं? मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ इधर, और इनके निज़ाम बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। ठीक है, यानी कि ये जो आप थैलियाँ वगैरह करते हैं पूरे प्रॉपर वेट के साथ होती है, ये वजन के साथ होती है, और सबके साथ सबको बराबर काम से देते हैं। नाज़रीन, मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो दूर दराज से लोग गोश्त लेने के लिए आ रहे थे, ये लोग उन्हें कन्वेंस भी दे रहे थे। तो नाज़रीन, अब हमारे साथ वो प्रोफेशनल कसाई मौजूद है जो कि ये पूरी वेलफेयर के जानवर ज़िबा करते हैं। चलें उनसे भी जानते हैं इस वेलफेयर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है भाईजान। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहिद अंसारी है। शाहिद अंसारी, और राजू भाई कहते हैं मेरे ख्याल से आपको प्यार से। शुक्रिया राजू भाई, आप कितने टाइम से वेलफेयर के साथ काम कर रहे हैं? वेलफेयर के साथ मुझे 5 से 6 साल हो गया काम करते हुए। सही, ठीक है। मज़ा आता है इनके साथ काम करने में, बड़ा सुकून से काम करवाते हैं। जल्दबाजी कोई नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है। सही सही सही, इनको दे रहे होते हैं, दूसरों की तरह जल्दी नहीं करते कि ये करो वो करो, ऐसी कोई चक्कर नहीं है। ठीक है ठीक है। बाकी इनके साथ बड़ा टाइम हो गया काम करते हुए, मज़ा आता है। 1 लाख मोहब्बत के सारे अच्छे हैं। सही बात है, बिल्कुल। हर चीज़ की सहूलत देते हैं। सही सही, जल्दबाजी के अंदर काम भी खराब होता है और इंसान टेंशन में आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इनके प्रेशर वाइज नहीं करते हैं, ये बोलते हैं अपने मर्जी से आप काम करो जैसे करो, हर चीज़ की रिलीफ देते हैं। सही सही सही, तो बड़ा मज़ा आता है। 6 से 7 साल हो गया इनके साथ काम कर रहे हैं। और वैसे आप इस फील्ड में कितने टाइम से काम कर रहे हैं? फील्ड में आए हुए 10 साल हो गया है। 10 साल हो गया काम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थे हमारे राजू भाई। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की जानवर ज़िबा करते हैं, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि आपको पता है थोड़ी कम्युनिटी गाइडलाइंस है, मगर बेहतरीन है ये। बहुत शुक्रिया, थैंक यू राजू भाई। नाज़रीन, मुझे आपको जिस हस्ती से मिलाना था वो मेरे प्यारे उस्ताद मोहतरम हाजी उस्मान गनी अली मोहम्मद बिलाल गिगानी हैं। वो आज यहाँ अवेलेबल नहीं, वो इस वक्त कनाडा में हैं, और मैं आपको उनसे इसलिए मिलवाना चाहता था कि वो मुझे मेरे यूट्यूब चैनल में काफ़ी सपोर्ट करते हैं, और मैं उनके लिए दिल से दुआगो हूँ और पूरी टीम के लिए भी। तो नाज़रीन, इस इज्तिमाई कुर्बानी की सरपरस्ती उस्मान गनी अली बिलाल गिगानी साहब करते हैं। वो इस वक्त कनाडा में होने के बावजूद भी अपनी टीम से रابطे में थे, और इनको हर चीज़ की हर काम की भरपूर हिदायत कर रहे थे। मैं उनको और उनकी टीम को इतनी ज़बरदस्त इज्तिमाई कुर्बानी करने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो नाज़रीन, अब हमारे साथ इस वेलफेयर के अहदेदार मौजूद हैं, जानते हैं इस वेलफेयर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सुनाइए ज़बर भाई, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले राशिद मारफानी साहब आपसे पूछते हैं, आप मुझे ये बताइएगा कि ये वेलफेयर कितने टाइम से है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, हमने जो वेलफेयर का जो काम शुरू किया है ना, वो 2014 से हमारा काम चल रहा है। ठीक है। इसमें हमारा सिस्टम सारा जकात का फंडिंग ज़्यादा है, जिसमें हम राशन, शादी ब्याह और फिर कुर्बानी के हवाले से जो जिलहज का जो महीना आता है, और इसके अंदर जो है ना कुर्बानी का सिस्टम चलता है हमारा। सही। 2014 से चल रहा है हमारा। 2014 से हमारा माशाल्लाह कम से कम जो है ना
30-35 के करीब करीब जानवर जो है ना हमारे ज़िबा होते हैं माशाल्लाह। और ये इनका गोश्त जितना भी है ना वो इंटीरियर सीन गरीब गुरबा में तकसीम किया जाता है। सही। और हमारे पास जो है ना काफी तादाद में जानवर आते हैं, लोग हमें डोनेट करते हैं, ठीक है, जो गरीबों में तकसीम करते हैं हम। सही। और आप लोगों से दुआ है कि हमारे लिए दुआएं करें, ये काम चलता रहे, अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए व्लॉग बनाया था कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी लोग हैं, जो हमारे ओवरसीज मुसलमान हैं, वो चाहते हैं कि भाई कोई अच्छी जगह हो, तो मैं उन्हें यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी वेलफेयर है। और माशाल्लाह मैं खुद इन्हें 5 साल से तो मैं देख रहा हूँ आप लोगों को, माशाल्लाह काम कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, एक से आपने तो मुझे बता दिया, अब हमारे साथ मौजूद हैं नासिर अजमेरी साहब, ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि आपको सिर्फ सिंगल जानवर यानी हिस्सा देते हैं या पूरे पूरे जानवर माशाल्लाह लोग देते हैं? नहीं, असल में हमें सिंगल भी मिलता है और पूरा पूरा जानवर भी लोग देते हैं, ठीक है। और सारे काम की सरपरस्ती हमारे उस्मान भाई विगानी नाम है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, उनके मातहत काम करते हैं सारे। सही सही सही। इस बार वो है नहीं, इस बार वो कनाडा गए हुए। सही सही सही। सारी जिम्मेदारी हम पर है। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा से अच्छा हो जाए वो हम करें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। तो अच्छा ये बताएगा, इस साल जो है आपके पास माशाल्लाह से कितने जानवर है, कुछ आइडिया है एक अंदाजन? इस बार हमारे पास तकरीबन 18 जानवर है। 18 जानवर है माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये जैसे ये गोश्त जो है वो लोग खुद ले जाते हैं या आप उन्हें सर्विस देते हैं? नहीं, बास को हम सर्विस देते हैं, बास जो करीब करीब के लोग होते हैं, जो करीब से आ सकते हैं वो आ जाते हैं। सही सही सही। बल्दिया टाउन हो गया, घाड़ो हो गया। सही। और दूसरे इलाके हो गए, ग्रह मेदी हो गया। सही सही सही। सारे इलाकों में वहाँ के लोग आते हैं, हम ले जाते हैं, उन्हें कन्वेंस वगैरह हर चीज़ देते हैं। अच्छा, देखें माशाल्लाह नाजिन कन्वेंस भी देते हैं। अच्छा ये बताइए, आपके पास बकरे वगैरह छोटे जानवर वगैरह होते हैं या ये बड़े? सिर्फ बड़ा, यानी कि गाय और बैल वगैरह इसी में ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने मुझे आगाह किया। तो नाजीन, एंड का जो गिफ्ट था वो ये था, ये बेहतरीन रिंग्स। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, JBI का चैनल सब्सक्राइब करें और उनकी शॉप पर जाकर इस शॉर्ट को दिखाएं और हासिल करें ये फ्री रिंग पूरे 1 साल तक। थैंक यू। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। जब पसंद आई है तो लाइक और शेयर तो लाजमी बनता है। मुझे बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी, मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूंगा। और आप भी मज़ीद किसी अच्छे टॉपिक पर देखना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, आपसे तो अब मुलाकात होती रहेगी, फिर मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।